अभी मैं मोड़ी चिकन बनाने जा रही हूँ, तो आपके साथ मैं मोड़ी चिकन का रेसिपी, मोड़ी मीन्स सॉफ्ट फेनल सीड्स, उसका रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ झटपट। मैंने सब तैयारी कर ली है, आपको बस शॉर्टकट में रेसिपी दिखा दूंगी, आप लोग भी ये बना पाओगे। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी है, और ये आप पराठे के साथ खाना, पराठा रोटी इसी के साथ ज्यादा ये अच्छा लगेगा, राइस के साथ नहीं। तो फिर ठीक है, चलिए रेसिपी की तरफ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये मैंने अनियन, ग्रीन चिलीज या कच्ची ग्रीन चिलीज या रेड चिलीज बोलिए उसको, अनियन को और अदरक लहसुन को एक साथ पीस दिया है। तो यहाँ पे 2 स्पून मैंने दे दिया है, और इससे इसको अच्छे से मैरिनेट कर दूंगी। अभी इसको मैरिनेट करना है, करके रखना है आपको 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट। सौंफ को पाउडर बना लिया है, थोड़ा भून के, रोस्टेड सौंफ है मतलब मोड़ी, इसको मैंने रोस्ट कर लिया था सूखे तवे पे, और उसको उसका पाउडर बनाया है। ये धनिया का पाउडर है, धनिया को रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया, धनिया के सीड्स का। ओके, अभी बाकी प्रोसेस पे चलते हैं। ओके, इसी मैरिनेशन में फ्रेंड मैं ये सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ मैरिनेशन में थोड़ा, और थोड़ा बचा के रखूंगी ये थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा बचा के रखा है ये बाद में डालने के लिए। इस मैरिनेशन में मैंने सौंफ का पाउडर डाल दिया है, और इसमें ये देखिए गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। कोई भी बाजार में जो गरम मसाला आपको मिल जाता है वही आप डाल दीजिए इसमें, और इसमें रेड चिली पाउडर डालूंगी। ओके, रेड चिली पाउडर भी मैंने डाल दिया है, और इसको भी अच्छे से मिलाना है सबके साथ, सब इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिलाकर इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है। तो अभी आपको बाकी का प्रोसेस दिखाती हूँ, इसके बाद क्या करना है। इसको रख देती हूँ ढककर आधा घंटे के लिए मैरिनेट कर, मैरिनेशन अच्छे से होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सरसों तेल गरम बिठाया है, अब इसमें चॉप, ये तेल गरम हो गया, अब इसमें मैं चॉप प्याज डाल दूंगी। अभी इन प्याज को अच्छे से भूनना है, एकदम ब्राउन करके, ब्राउन होने तक भूनना है इसको अच्छे से प्याज में। अब इसको ब्राउन होने तक भूनती हूँ अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, मेरे प्याज अभी ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन। अब इसमें मैं वही पेस्ट डालूंगी जो मैंने मैरिनेशन में डाला था, प्याज, गार्लिक और जिंजर और चिलीज का पेस्ट, वही। इसमें चिलीज मैंने थोड़ा ही डाला, क्योंकि मेरा सिर्फ 250 ग्राम का चिकन है, बहुत ही कम चिकन है, तो इसमें मैंने 3 चिलीज ही डाली है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी सब डिटेल्स में क्या कितना क्वांटिटी है। और ये पूरा अभी प्याज वाला पेस्ट, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च वाला पेस्ट इसमें डाल दूंगी, डाल के अभी भूनूंगी थोड़ा। ओके फ्रेंड्स, अभी इसको थोड़ा भुनने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर थोड़ा सा। स्पून जीरा पाउडर और ये रोस्टेड धनिया पाउडर। आप पैकेट का धनिया भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर धनिया आप साबुत सीड्स खरीद के लाओ, धनिये के दाने, और उसको भून के रोस्ट करके फिर डालो तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा जाएगा इसमें, अभी जीरा उसका डबल डाला है ना। 15 मिनट हो चुका है ढककर इसको। चिकन देखिए मेरा, वाह, कलर इसका देखिए बहुत बढ़िया, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो अभी थोड़ा चेक कर लेती हूँ उसका नमक वगैरह ठीक है या नहीं है, तो अभी स्टेज पे नमक थोड़ा एडजस्ट करूंगी। ओके फ्रेंड्स, मैंने चेक कर लिया है, मैंने चेक कर लिया, और थोड़ा सा और नमक की जरूरत है, तो इसलिए थोड़ा नमक और डाल रही हूँ। अभी ये लगभग मेरा चिकन हो ही गया है। मेन चिकन को कुकिंग टाइम जितना देना होता है इतना ही है इस रेसिपी में टाइम लेता है, बाकी तो और इसमें कुछ चीज पे उतना टाइम नहीं लगता।
चिकन को ढककर पकाइए और चिकन अगर कुक हो गया अच्छे से बस तो मेन यही है। चिकन मेरा लगभग हो चुका है, थोड़ा और इसको कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ ढककर। पानी में नहीं ऐड करूंगी, ठीक है, ये एकदम ड्राई ड्राई होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने घी डाला है थोड़ा, आप चाहो तो ये व्हाइट ऑयल से भी कर सकते हो, मैं घी से कर रही हूँ, घी का अलग स्वास्थ्य में, आप चाहो तो व्हाइट ऑयल से भी कर सकते हो। आपका चिकन जैसे ही पक जाए, इसमें फेनल सीड्स मतलब सौंफ थोड़ा डाल दीजिए। और थोड़ा सा मैंने बचा के रखा था ना सौंफ का पाउडर, वो भी डालना है इसमें, तो इसको थोड़ा सौंफ को अच्छे से पक जाने दीजिए इसमें घी में। ये अभी लास्ट में छौंक लगाएंगे जैसे चिकन अच्छे से पक जाए आपका। देखिए मैंने ढक दिया था चिकन को फिर से और ये अब अच्छे से कुक हो चुका है और देखिए एकदम नरम हो चुका है, ये देखिए नरम होके निकल रहा है एकदम। तो चिकन मेरा अच्छे से पक गया है, इसका कलर देख के आपको पता ही चल रहा होगा और इसका खुशबू इतना अच्छा और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग जरूर ट्राई करना इसको घर में। अभी इसमें वो मैं जो छौंकी यहाँ पे रेडी की हूँ ये डाल दूंगी ऊपर से। अब इसको ऊपर से डाल देंगे, इससे क्या होगा ना इसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा, बहुत ही खुशबूदार बहुत ही सुंदर सा, इसका एक अलग ही इससे लेवल हो जाएगा खुशबूदार। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा सॉफ्ट चिकन या मोड़ी चिकन या आप इसको फेनल सीड्स चिकन कह सकते हो, सॉफ्ट को इंग्लिश में फेनल कहते हैं। तो बस ये सॉफ्ट वाली चिकन आपको कैसी लगी बताइएगा, मैं इसको भी सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सॉफ्ट चिकन रेडी है और मैंने रोटी और कच्चे प्याज के साथ इसको सर्व कर दिया गर्मा गर्म। हम तो एंजॉय करेंगे इसको डिनर में, आप लोग भी इसको घर पे बना के जरूर एंजॉय करना, बहुत ही टेस्टी होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिएगा, बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आगे चलकर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, बाय बाय।